हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज निराक्षी व्लॉग्स। और ये देखिए, मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरी साड़ी। आज मैंने सोचा पिंक छोड़ के ना, कुहू को तो पिंक पहनाएंगे, मैं थोड़ा ब्लू पहन लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। बाल तो बस, बालों का तो हेयर स्टाइल मेरा कुछ है नहीं, हाफ टाइम कर लूंगी और थोड़ा सा ट्विस्ट कर लूंगी बस। आगे ना इतने सारे मिनी मिनी हेयर आ गए हैं कि बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है। आप सभी ने तो देखा ही कि क्या क्या सुबह मैं काम कर रही थी। थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है, आगे मतलब इससे पहले नहीं डाला होगा, तो इसके बाद शो कर दूंगी मैं आप सभी को। सुबह से हम उठे हुए हैं, कितने बजे से उठे हैं मम्मी? 5 बजे से उठे हुए हैं और उठते ही लग गए थे, क्योंकि किचन साफ सफाई सब कुछ अच्छे से करने के बाद हमने शुरू किया खाना बनाना। हाँ, लंच बनाना। यस, लंच बनाया, सभी के लिए लंच बनाया है। और कुहू के लिए भी कुछ कुछ बनाना था, तो कुहू के लिए जो भी बनाया वो सारी चीजें मम्मी ने बनाई है। लंच बनाया मैंने, मम्मी ने थोड़ी बहुत हेल्प करवाई है। कैसे बनाए, क्या बनाया, मम्मी खुद बताएंगी। क्या क्या बनाया मैंने? छोले बनाए हैं, आलू की सब्जी बनाई है, दाल मखनी बनाई है, ये दिन मम्मी ने पुलाव बनाए हैं, और कुहू के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और पूरियां जो हैं वो अभी संतोषी आई है तो वो छान छान के निकाल दे रख रही है। हाँ, और ये जो ऑलमोस्ट 2 बज ही गए हैं तो मौसी आ चुकी है मार्ट में। हाँ, है नीचे। अच्छा, है ना। हाँ, मुझे भी अभी मार्ट निकलना है, कुछ कुछ लेके आना है। हाँ, जल्दी से जाती। बिंदी बड़ी लगा लो थोड़ी सी। ठीक है ठीक है। और ये देखिए, ये जो है ना साड़ी थ्रेड वर्क का है। हाँ, ये पूरा थ्रेड वर्क है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। पल्ला कुछ ऐसा है। और ये किसने दी थी साड़ी? ये आपने दी थी, इसीलिए पूछ रही हूँ ना। ये मम्मी ने दी थी और मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपनी चॉइस से ली थी। जैसे ये थ्रेड वर्क है, मामी की भी है एक साड़ी थ्रेड वर्क में, डार्क ग्रीन कलर की, तो वो भी बहुत सुंदर है। ऐसे ही ये है, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड नहीं है, उसी जिस कलर की साड़ी है ना उसी कलर का थ्रेड है, तो उतना ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत प्रिटी है, लाइट वेट है, पहनने में इतनी अच्छी और है। कुहू को लेके कंफर्टेबल रहोगे इसीलिए ये वाली। कुहू अभी इतना ज्यादा ना इस कान वाले से भी उसके यहाँ पे नुच गया था, क्योंकि मुंह रगड़ती रहती है बहुत सारी चीजें, तो अभी तो मैं अच्छी लग रही हूँ। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। और अभी तो लहठी डालनी है। हाँ, करो करो, ठीक है। तो अरे अरे, ये देखो मौसी आ गई, सबकी प्यारी मौसी। मौसी कैसे हो? एनी का है मेरी बोरा। खुश रहिए खुश रहिए। अन्ना जी, नाना बाबा, बब्बा यू आई गेल गेन। नहा धो के उसको घर के कपड़े बनाते हैं, से मिल ही नहीं पाती। मासी आई है भांजी के अन्नप्राशन, तो पूरे रास्ते यही कहती आई है। अब मासी और यहाँ मामा जी मिल गए मुझे। मैं भी आई थी मिठाई लेने और मामा जी भी मुझे यहीं मिल गए। मैंने कहा भैया हम भी ले लें, हाथ डुलाते हुए चले गए। गाड़ी गाड़ी की हाथ मैंने ऊपर जाके कहा दीदी मैं तो हाथ डुलाते हुए आ गया। वो शुभी नीचे ही मिल गई थी, जैसे ही मैं उतरी तो शुभी और मामी लिफ्ट का वेट कर रहे थे, तो नीचे मिल गए। ये जो रखा है ऐसे ठीक है, इसको ऐसे ही रहना। और गुलाब की पत्तियां इस पे थोड़ी सी, आपको पायल है इधर? हां, एक दो इसे डबकी है, या बीच में डाल सकते हैं, वो भी ऐसे डाल सकते हैं। ऐसे रख दो, साबुत रख दो बेटा। नहीं नहीं नहीं, साबुत मत रखो। अरे यहां रख दो, तो कौन को दे छी? कार्तिक साई, ये मेरा है, अब जो खुलेगा। हां, ये मेरा वाला। उसने कहा ली, ये जो उन्होंने दिया है ना, ये सब मैंने ले लिए थे। ये क्या था? वो मलाई, मैंने उससे अड़ी है, मैंने कहा नहीं भाई दे ही दे, बहुत टेस्टी होती है मलाई रोल। नहीं, हमारे एवी ने खिलाई थी हमें, मैंने कहा भाई साहब मैं गया दुकान पे, जी अभी ले, कहते हैं जो खाना है वो खाओ, मैंने कहा पहले चखाओ। ये जो रिसेंट ऐड नहीं आया था रोल, वो कौन सा था? जिम जाम रोल, वो है। हाँ, पहले जिम जाम बिस्किट आती थी, ये रोल आ गया। मिठाई है? नहीं नहीं, कुकीज़।
और यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ कुहू की ज्वेलरी के लिए प्लेट, तो मैं इसमें रखूंगी ज्वेलरी अभी, पहले डेकोरेट कर लेती हूँ इसको। तो आइए आप सभी भी मेरे साथ कुहू के लिए। हाँ, ये बोलती है कैसे बोलेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। ये जरूर रख देना, बच्चा है मेरा, टॉफी खाएगा। किसी और में डाल देना। पकड़ा है, निकली है। नीचे वाला पेंडेंट असली है, चाहिए मैं कहते ये सारे तो भी हमारा होगा, तो ये चूड़ी पकड़ लिया, ये भी सेपरेट लगना भी चाहिए, लग रहा है ना। तो यहाँ पे कुहू की टेबल सज चुकी है, चांदी की कटोरी में है सूजी से बनी हुई खीर और ग्लास में है दूध। चांदी की कटोरी और ग्लास मम्मी ने कुहू को दिया था, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से भी मंगाई, हर तरीके की मिठाई, ऑलमोस्ट जितनी भी शॉप में मिठाई अवेलेबल होती है आपने तो क्लिप देखा ही। मैं पहुँच गई थी, मैंने जितनी मुझे अच्छी लगी मिठाई मैंने वो ले ली, बाकी रिमेनिंग मामा जी ने ली कि आप चलो और बताना कि आपने जो मिठाई नहीं ली है वो मैं ले लूँगा। तो वो सारी हमने ऐसे इंक्लूड करके पूरी शॉप की मिठाई ले ली। तो मिठाई है, नमकीन है, फ्रूट्स हैं, और घर में बनी हुई जितनी भी चीज़ें, जैसे कि जो मैंने खाना बनाया था, पूड़ी, छोले, दाल मखनी और आलू की सब्ज़ी, साथ ही साथ पकौड़े हैं और दही भल्ले हैं, चटनी है, और जो बच्चों की चीज़ें होती हैं जैसे लिटिल हार्ट्स, बिस्किट, स्विस रोल, चोको पाई, लॉटी चोको पाई, ये सारी चीज़ें, ब्रिटानिया केक, ये भी फ्रूटी और टॉफ़ीज़, ये सब सारी चीज़ें मिक्स करके, मालपुआ मम्मी ने बनाया था, खीर मम्मी ने बनाया था, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया मम्मी ने, इसे सजाया है बैठ के जब तक मैं बाहर गई थी। और ये है कुहू की ज्वेलरी, इसमें एक मट्ठा जो है अभी कुहू लेके खेल रही है। आप सभी ने वो व्लॉग तो देखा ही है जो कुहू के लिए दो हमने मठिया कहते हैं शायद, आपने कमेंट में बताया था कि मठिया लिया था, और कुहू को चेन कुहू के होते ही जो मिला था वो है, और इसमें पेंडेंट है। ये जो सजाया, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या फिर ओके ओके था, ठीक था, या फिर बहुत अच्छा था, जैसा भी हो आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ सभी हैं, जो मिसिंग मुझे लगा वो लगा, मेरी तीनों नंदों में से कोई भी नहीं आए, मेरी तीनों दीदियों में से कोई भी नहीं आए, कुहू भी मिस कर रही थी, उन्हें आ सकते थे। संडे हमने प्लान बनाया ही इसीलिए था कि सभी के सभी आ सके, सैटरडे संडे सबका ऑफ होता है, नहीं आए क्या रीज़न है उसमें मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, कुहू और झाजी उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। तो कुहू यहाँ बड़े मामा जी के साथ खेल रही है, और झाजी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, झाजी भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ही फ्रैंकली अब वो हमारे घर के जैसे बड़े मामा जी और मामी उनसे जोक्स और मजाक करते हैं तो फ्रैंकली होकर रिप्लाई भी देते हैं। पहले बस शर्मा जाते थे, अब बहुत अच्छे से रिप्लाई भी दे देते हैं, और फिर घर में एक ह्यूमरस माहौल हो जाता है, बहुत ही मज़े में, मस्ती में पूरा दिन गया हमारा। सुबह के 5 बजे से लगे लगे सभी आए, 2 बजे सबको, मतलब सब क्या वेलकम किया, सबने बैठ के कुहू से प्यार किया, उसके बाद फिर कुहू को खिलाया, और हमने अन्नप्राशन का भी नाना बाबा ने मंत्र पढ़ के कुहू को जो सूजी की खीर थी वो खिलाई उसके। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा छोटा मोटा फैमिली गैदरिंग। आप सभी को कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहाँ सबके सब इकट्ठे हो सके और इतना एंजॉय कर फ्रीली है ना मामी? बिल्कुल। क्यों मामी? बिल्कुल, हम लोग एकदम फुल जोश में है, एनर्जी के साथ, हमारी कोर रेडी नहीं हो रही, कुहू को एक्चुअली नींद आ रही है, छोटे बच्चों का तो अपना ही टाइम टेबल होता है। सब कुछ रेडी था, सब खा पी चुके थे, मैंने एक्चुअली क्या कहा कि पहले ना आप सभी पेट पूजा कर लो उसके बाद, वरना कुहू के टाइम टेबल से चलोगे तो ना खा पाओगे ना पी पाओगे, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम सबका प्रार्थना तो हो चुका है, और हमारी हमारी डिज्नी प्रिंसेस से मिल लीजिए। ओ डिज्नी प्रिंसेस, अरे अरे अरे। तो कुहू को ले जाके एक बार ट्राई भी किया गया कि सुलाया जाए, लेकिन कुहू नहीं सोई, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं घर में तो बच्चा वैसे भी थोड़ा सा ना अनईजी सा हो जाता है,
जिसे अकेले रहने की आदत हो, तो ना ये सो रही थी और ना ही सही ढंग से ये कुछ देख रही थी, बट ठीक है, इन्जॉय कर रही थी सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें थी, इसको हो रहा था कि मैं सारी ना बिखेर दूँ, सारी हाथ से उठा लूँ और इधर उधर कर दूँ। इसलिए कुहू को शूज़ भी पहनाया था, शूज़ कुहू ने उतरवा लिए, क्योंकि शूज़ पहनाते ही कुहू सिर्फ़ और सिर्फ कुहू का फोकस शूज़ पे रहता है कि अब मैं शूज़ कैसे उतारूँ। तो मैंने उसे खुद ही उतार दिया, बाकी फिर कुहू अपना हेयर बैंड उतारने में लग गई, आप सभी तो देख ही सकते हैं। क्या हुआ बताएंगे। यहाँ पे अन्नप्राशन के लिए सिखाया जा रहा था, मामा जी सिखा रहे थे कि किसी रिंग को जो है ना वो खीर में डुबा के चटाने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि कुहू का ना पेंडेंट एक है, न्यू है, कोई जर्म्स नहीं लगे हुए हैं उसमें। गए नहीं नहीं मेरी रिंग ले लो, तो झाजी कह रहे हैं झाजी दोबारा बोलेंगे हम तो बोलेंगे कुछ का ही जो यूज हो जाती है रिंग वो फिर रिटर्न नहीं होती। मामा जी ने चुपचाप पहन लिया। एक बार बताऊं, चेन मामा जी पसंद, हाँ मामा जी ही लाए थे, लेकिन ये है ना कि मामा जी ने ही कहा था कि कहने के लिए कि नानी ने दी है, क्योंकि घर के बड़े रहते हैं तो वो है ना मामा जी, वैसे लाए थे बड़े मामा जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। छोटी बच्ची थी घर में, पहली बार छोटी बच्ची आई थी, तो हमने कहा कि कुछ अच्छा सा दे दे, है ना। उधर शुभी हुई थी, तो भी मामा जी की प्यारी मुन्नू की बेटी हुई थी, शुभी हुई थी, उसके भी कान के बहुत छोटे छोटे सुंदर से दिए थे हमने। कुहू के पास कान के भी जो इसकी नानी और नानद ने दिए थे, लेकिन इसके अभी कान पियर्स ही नहीं हो रखे। चलो गोल्डन देवी, हमारी डिज्नी, हमारी इंडियन डिज्नी प्रिंसेस है ये। और यहाँ मैं, चाची और कुहू बैठ गए थे, जो भी सेटअप हो रखा था, जो भी हमने छोटा मोटा क्रिएट किया था वो, और कुहू को बहलाया फुसलाया जा रहा है टमाटर से। एक पोएम है जो कुहू देखती है टमाटर वाला, तो इसलिए वो टमाटर काफ़ी गौर से देखती है। बाकी कुहू आप बताना, बच्चों का ऐसा हो ही जाता है, अकेले बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन कभी कोई फंक्शन हो कुछ हो तो पता नहीं क्यों थोड़ा अनईजी सा बिहेव करने ही लगते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसे सारी चीज़ें देख के उसे खाने का मन कर रहा था। चकोर भी आ गया था यहाँ, तो नाना बाबा ने कहा कि तिलक चकोर को लगाना चाहिए, बाकी पीला वाला कर दो, सफेद नहीं करते, सफेद है ना, ना पीला रंग चाहिए था, कनिक पियर चाहिए, बिल्कुल सफेद नहीं। अधिकार यार जब बीच में जब करी था ना, थोड़ा सा सिंदूर ऊपर से कथी में उसमें चांदी के चम्मच ही तो हम कथी में कहते हैं सोना की कोनो चीज जो है क्या है ने और कुआ दियो जैसे ना दियो तो बस हमने निकाल दिया दहन से की छाया चीज समझो भाई कंगन कर निकाल दिया सर्व मंगल मंगला सर्व मंगल मंगल शिव सर्वाग नारायण ये माते श्री इनका कहीं आए के रास्ता बन रही है काटी पे उड़ दियो हां कहीं से मैं कहीं बट आई सर थैंक यू फेक दिल के सही ला ना हां खा लिए खा लिए मार जाके के कोड़ी लगे तब से याद है किसी कोड़ी लाए दे बेटा ले एक कपड़ा दे दो बेटा जल्दी हां फोटो को बने छे की करी हम पापा एमर देखो सर भगवती आहार कन्हैया महाराज
पापा के नहीं पुओ एक हाथ में उकड़ा पकड़ा दिया अपना अच्छा ठीक बस बस वो हैंकी थी तो बेटा जय गणेश जय गणेश आप भी सब खिला दीजिए नानी आ जाओ कुहू की नानी आ जाओ कुहू की नानी आ जाओ देखो एक बाय मेरा सोनू बाय मेरा सोनू बाय मामी बाय 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 बाय